हमारी माने इंकलाब इंकलाब। 12 महीने हम लोग काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह लेकर जाते हैं, 2 महीने अपने टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, उसके बदले में जो इंटरेस्ट के रूप में हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पेंशन, जो कि हमारी बंद कर दी गई है। 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन से देश में हम शरण लेंगे, कहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, कहाँ रोटी खाएंगे और कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? हम देश के नागरिक हैं, ये हमारा हक है कि हमें पेंशन दी जाए। हमारा हर महीने 15-16 हज़ार रुपए सैलरी का कटता है, वो कहाँ जाता है, उसकी क्या योजनाएं हैं, उसके एवज में हमें क्या मिलेगा, कोई ऐसी सूचना नहीं है। ये पैसा सारा गमन हो रहा है, हमें नहीं चाहिए ये सिस्टम। जैसे पुराना बिल वापस ले गया, काला कानून वापस ले गया, हम हक मांगते हैं अपना कि हमको हमारी पुरानी पेंशन दे दीजिए, हमको आपकी नीति नहीं चाहिए। और यदि नहीं देना चाहते तो इनकी पेंशन बंद कर दीजिए। ये हम कलम के सिपाही हैं और कहते हैं कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम और मजबूरी में इमां बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। ये पूंजीवाद जो हो रहा है उसी के कारण हम लोगों की पेंशन रोकी जाती है और कहा जाता है देश में पैसे की कमी है। मेरा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, इसे कभी कमी नहीं आई और ना कभी आएगी। ये विश्व गुरु की उपाधि पे रहने वाला है तो पूंजीवादों ने पूंजी अपनी मुट्ठी में जब्त कर लिया। पूरा देश जागरूक हो चुका है, पूरा देश एक हो रहा है, संगठन निकल कर आ रहा है और कहते हैं कि मेरे पंखों को नोच के भी वो खाली हाथ रह गया और मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया। ये हमारे हौसले बुलंद है। हम सरकारी कर्मचारी हैं, कहते हैं कि मत पूछिए कितने मजबूर हैं हम, बस समझ लीजिए कि मजदूर हैं हम। नमस्कार, मैं पूजा, आप देख रहे हैं जनित आवाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ दिल्ली के जंतर मंतर और जंतर मंतर पर यहाँ पर पेंशन बहाल के लिए लगातार जो महिलाएं मौजूद है उन्हीं से कुछ हम जानते हैं। मैम, क्या कुछ है जो पेंशन बहाली की आप लोग मांग लेकर आए? देखिए, मैं इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन की ओर से हूँ। इसके राष्ट्रीय अध्यक्ष वीपी सिंह मिश्रा जी हैं, राष्ट्रीय सलाहकार ढोलकिया जी हैं और राष्ट्रीय सचिव इसके प्रेमचंद जी हैं। दिल्ली प्रदेश के इसके अध्यक्ष हैं बड़े भाई अजयवीर यादव जी और दिल्ली प्रदेश की मैं वाइस प्रेसिडेंट हूँ। जितने भी सरकारी कर्मचारी हैं उनके यूनियन के ऊपर एक यूनियन है जिसे हम कहते हैं इप्सेफ, उसके दिल्ली प्रदेश की मैं ललिता अध्यापक और अध्यापक शक्ति मंच की ओर से मैं हूँ। हम लोग पुरानी पेंशन को बहाल करने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। पेंशन जो कि 2014 में अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा बंद कर दी गई थी, एक बार फिर से हम उसके लिए आए हुए हैं कि हमारी पेंशन क्यों बंद कर दी गई, जबकि हम 60 साल होकर पूरा सरकार को अपना श्रम देते हैं, मेहनत से काम करते हैं, खून पसीना बहाकर सरकारों को काम करते हैं, देश हित में जनहित में कार्य करते हैं, फिर 60 साल के बाद हमको यूज एंड थ्रो क्यों किया जा रहा है? जबकि एक एमपी एक बार जीता तो एक बार पेंशन मिलती है, दो बार तो दो बार, तीन बार, जितनी बार जीतता वो एक दिन के लिए भी जीतता तो उसकी पेंशन बंद जाती है। और यहाँ 25-30 साल लगातार जब हम काम करते हैं, पूरी ऊर्जा पूरा अपना युवापन दे देते हैं और उसके बाद हमारी पेंशन नहीं बंदेगी, तो पेंशन कोई हम मांग नहीं रहे हैं, पेंशन तो हमारा हक है। जब हम अपनी सैलरी देते तो हर महीने 5,000, 6,000, 7,000 रुपये तनख्वाह का कटवाते हैं, सरकारें पैसा लेती है हमसे। 12 महीने हम लोग काम करते हैं और 10 महीने की तनख्वाह लेकर जाते हैं, 2 महीने अपने टैक्स के रूप में पैसा देते हैं, उसके बदले में जो इंटरेस्ट के रूप में हमें मिलता है उसे हम कहते हैं पेंशन, जो कि हमारी बंद कर दी गई है। हर महीने हम 10,000 या 20,000 महीना रुपया कटता है, क्या आपको मालूम है? वो पैसे का इंटरेस्ट जो होता है उसको हम पेंशन कहते थे, जिसे बंद कर दिया गया है। इसके लिए हम सरकारों को ऊंची आवाज बुलंद करके कहना चाहते हैं कि हमारी पेंशन बहाल करिए, हमें पेंशन चाहिए। 60 साल के बाद हम कहाँ जाएंगे, कौन से देश में हम शरण लेंगे, कहाँ जाएंगे, गुरुद्वारा जाएंगे, मंदिर जाएंगे, मस्जिद जाएंगे, कहाँ रोटी खाएंगे और कौन हमारी जिम्मेदारी लेगा? हम देश के नागरिक हैं, ये हमारा हक है कि हमें पेंशन दी जाए। मगर मोदी जी के जितने भी मंत्री नेतागण हैं वो सब ये कहते हैं कि पेंशन योजना द्वारा जो भी ये नई पेंशन की गई है तो उसके द्वारा तो आप लोगों को सुविधाएं हैं, सुविधा बताई जा रही हैं। तो देखिए, अभी किसान बिल से भी सुविधा थी और वो किसान बिल वापस ले लिया गया और यही सुविधा जबरन हमको एनपीएस में दी गई है। हमारा हर महीने 15-16 हज़ार रुपये सैलरी का कटता है, वो कहाँ जाता है, उसकी क्या योजनाएं हैं, उसके एवज में हमें क्या मिलेगा, कोई ऐसी सूचना नहीं है। ये पैसा सारा गमन हो रहा है, या तो हमारे को क्लियरिटी दी जाए हमारी कितनी पेंशन बनेगी हमें बताया जाए, किसी को नहीं पता है ये पैसा कहाँ और कैसे जा रहा है। आप देखिए, हर महीने हमको मैसेज आता है, टैक्स मैसेज। अभी मैं आपको एक मैसेज दिखाऊंगी, इसके अंदर है कि आज जैसे मार्च है तो मार्च में हमारा मैसेज आया कि आपके 18 लाख अब हो गए जो आपको मिलेंगे, फिर अब जून जुलाई के अंदर कितना होना चाहिए, बढ़ना चाहिए, फिर आता आपका 16 लाख हो गए जो आपको मिलेंगे, अब आ जाता है अगस्त तो और घट रहा है। ये कौन सी योजनाएं बना रहे हैं, कौन सा सिस्टम बना रहे हैं आप और क्यों बना रहे हैं? हमें नहीं चाहिए ये सिस्टम। जैसे पुराना बिल वापस ले गया, काला कानून वापस ले गया, हम हक मांगते हैं अपना कि हमको हमारी पुरानी पेंशन दे दीजिए, हमको आपकी नीति नहीं चाहिए। और यदि नहीं देना चाहते तो इनकी पेंशन बंद कर दीजिए। ये किस अधिकार से पेंशन ले रहे हैं, क्या ये सरकारी कर्मचारी है,
हैं, क्या ये देश की सेवा करते हैं, क्या ये जनहित में कार्य करते हैं, क्या ये हर महीने अपना टैक्स देते हैं? हम 2 महीने का टैक्स देते हैं, उसके बाद साबुन पर, तेल पर, रेल पर, खेल पर, गाड़ी पर, सड़क पर जहाँ कदम रखते हैं उसका टैक्स देखते हैं, अपने टैक्स का इंटरेस्ट मांगते हैं, उसको हम पेंशन कहते हैं। मगर मोदी जी के तो जितने भी मंत्री हैं बोल रहे हैं कि भाई जिस तरीके से मतलब गबन का आप आरोप लगा रही है, गबन वाकई में गबन हो रहा है क्या? मुझे नहीं मालूम है पैसा कहाँ जा रहा है, जो हाँ। पैसे का पता नहीं है उसे गबन कहते हैं। एमपीज जो है, सांसद हैं, आप उनकी बहाली के लिए बोल रहे हो कि उनको हटाया जाए, वो क्यों पेंशन ले रहे हैं? हाँ। वो तो राष्ट्रीय हित में काम कर रहे हैं, ऐसा बोलते भी है 24 घंटे। देखिए, वो समाज सेवा का काम करते हैं और राष्ट्रीय का सरकारी कर्मचारी हम हैं, हम सरकार के कर्मचारी हैं, वो सरकार के कर्मचारी नहीं है, वो समाज के सेवक है। वो किस चीज की सेवा ले रहे हैं, वो किस चीज की पेंशन ले रहे हैं? क्या वो 30 साल की गारंटी देते हैं सरकार को काम करने की? जवानी से लेकर बुढ़ापा तक अपना जीवन देंगे क्या एक ही दफ्तर में? क्या वो पसीना बहाकर काम करेंगे? हम राष्ट्र निर्माता हैं, हम अध्यापक हैं, हम राष्ट्र का निर्माण करते हैं। 60-60 बच्चों को एक एक क्लास में पढ़ाते हैं, हर 30 मिनट के बाद हमारा पीरियड बदलता है, पसीनों में लथपथ रहते हैं हम लोग, कोई भीख नहीं मांग रहे हैं। हमारा हक है, हमारा अधिकार है, जो हमें चाहिए और सरकारों को देना ही होगा। आज हम जंतर मंतर पर है वो दिन दूर नहीं, हम रामलीला ग्राउंड में पूरे सरकारी कर्मचारी एकत्रित होंगे और फिर भी हमारी मांगे नहीं सुनी जाएंगी तो हम धरने धरेंगे, सड़कों पर आएंगे, चक्का जाम करेंगे और फिर भी ये गूंगी बहरी सरकारें नहीं सुनेंगी तो पैन ड्रॉप साइल हम लोग स्ट्राइक करेंगे, क्योंकि हम कलम के सिपाही हैं और कहते हैं कि सोने की कलम न लेंगे हम, दिल का दर्द लिखेंगे हम और मजबूरी में इमाम बेचेंगे, इतने सस्ते नहीं है हम। तो महिला विरोधी है क्या मोदी सरकार? पूरे सरकारी कर्मचारी आप दे सकते हैं, पुरुष वर्ग भी एकत्रित है, ये लाखों का जमावड़ा है और शाम तक होते होते बहुत से लोग हो जाएंगे। इस सरकार में सारे कर्मचारी दुखी क्यों हैं? हर कर्मचारी विभाग में कर्मचारियों की संख्या कम है, एक आदमी 10-10 का काम कर रहा है, ना उसे हक मिलता, ना अधिकार मिलता, ना मान मिलता, ना सम्मान मिलता, ना सुविधाएं मिलती हैं। सरकारी कर्मचारी आप जाकर तो देखिए किस सुविधाओं के अभाव में काम करते हैं और 100% एक्सपेक्टेशन रखते हैं सरकारें कि एकदम ये अपना काम पूरा करेंगे। इसके बावजूद भी आप देखिए एक सर्कुलर एक मैसेज पर पूरी दिल्ली चुनाव कराने के लिए खड़ी होती है। हम विश्वसनीय हैं इसलिए हमको बुलाया जाता है, हम चुनाव कराते हैं, हम सरकारें बनाते हैं, हम सरकारों के काम करते हैं और फिर भी पेंशन नहीं मिलेगी, ये कैसे चलेगा? मगर सरकारी कर्मचारियों पे हमेशा से आरोप लगते आए हैं वो लोग काम नहीं करते, काम चोरी करते हैं। तो फिर काम कौन करता है? सरकारें चलती कैसे? कागज भरते कैसे? कागज भी भरते हैं, कंप्यूटर भी भरते हैं, लोगों के संपर्क में भी आके काम करते हैं, फिर कौन चलाता है? क्या ये नेता आके दफ्तर में बैठते हैं? क्या ये एमपीज आके दफ्तर में बैठते हैं? कौन काम चला रहा है बताइए ना आप? आरोप लगाएंगे या सत्यापित करेंगे? आधार क्या है तो कैसे सत्यापित करेंगे, कैसे मोदी जी को बताएंगे कि वाकई में कर्मचारी जो है, सरकारी कर्मचारी अपनी जी जान लगा देते हैं काम करने? ये सबको मालूम है मैडम, तभी तो सरकारें चल रही हैं। ये प्रश्न ही बेकार मैं समझती हूँ कि सरकारी दफ्तर भरे पड़े हैं, हर दिन लाखों लाखों फाइलें पास होती हैं, चाहे वो न्यायालय का काम हो, जेल खाने का काम हो, थाने का काम हो, मंत्रालय का काम हो, हेल्थ डिपार्टमेंट का काम हो या सरकारी विद्यालय क्यों ना हो, सरकारें हमसे ही चलती हैं, वरना कैसे चलेंगी सरकारें? कौन आता है? क्या भीड़ काम करके जाती है? एक विश्वसनीय लोग होते हैं जिनकी वैधता होती है, पढ़ लिख कर आते हैं, एग्जाम क्लियर करके आते हैं, ट्रेनिंग लेकर आते हैं और पूरा जीवन सरकारी दफ्तरों में गुजार देते हैं। सिर्फ उनको इतना ही मिलता है कि रोटी कपड़ा और मकान ले सके, कोई लग्जरी लाइफ नहीं देते। नेता एक बार जीतता और उसके बाद बड़ी बड़ी गाड़ियां, बड़े बड़े बंगले खड़े हो जाते हैं। आप देखिए किस तरह से ये तो ईडी साहब रेड पर रेड लगा रहे हैं और नोटों का नोटा पूंजीकरण वहां हो चुका है। ये भारी संख्या में जो नोट निकल रहे हैं, ये पूंजीवाद जो हो रहा है उसी के कारण हम लोगों की पेंशन रोकी जाती है और कहा जाता है देश में पैसे की कमी है। मेरा हिंदुस्तान सोने की चिड़िया है, इसे कभी कमी नहीं है और ना कभी आएगी। ये विश्व गुरु की उपाधि पे रहने वाला है तो पूंजीवादों ने पूंजी अपनी मुट्ठी में जब्त कर ली है। अभी आपने ईडी की बात करी, वो भी शिक्षिका थी और उनके घर से जो है इतनी नकदी मिल रही है। वहाँ पर शो चल रहा है, वो आप ही को कवर करना। 2 मिनट दे दो, मैं ये जो एक क्वेश्चन आप बता दीजिए कि जिस तरीके से नकदी मिल रही है, मैं सरकारी कर्मचारी हूँ, वो ईडी जाने और ईडी का काम जाने, वो सरकारें जानेंगी। मुझे नहीं मालूम है ये पैसा कहाँ से निकल रहा है, कहाँ से कमाया। मुझे इतना मालूम है कि सरकारी कर्मचारी को रोटी खाने के लिए भी पैसे नहीं है, 2 महीने की तनख्वाह हमको नहीं मिलती है क्योंकि, और आज आप देखिए जो एनडीएमसी के एमसीडी के स्कूल हैं, एमसीडी के कर्मचारी हैं, उनके घर में रोटी नहीं, 8-8 महीने से तनख्वाह नहीं मिल रही और यहाँ 2000 के गड्ढे मिल रहे हैं। इसका मतलब क्या है? काला धन है तो निकाल लीजिए ना, काला धन दे दीजिए। जितनी भी महिलाएं शिक्षक आई हैं, कहाँ कहाँ से आई हैं मैम? मैम ये पूरे देश की महिला है, इप्सेफ इंडियन पब्लिक सर्विस एम्प्लॉय फेडरेशन जो पूरे देश की सरकारी कर्मचारियों की यूनियन है और यहाँ एकत्रित हुआ, पूरा देश जागरूक हो चुका है, पूरा देश एक हो रहा है, संगठन निकल कर आ रहा है और कहते हैं कि मेरे पंखों को नोच के भी वो खाली हाथ रह गया और मैं हौसलों के दम पर आकाश छू गया। ये हमारे हौसले बुलंद है, हम सरकारी कर्मचारी हैं, कहते हैं कि मत पूछिए कितने मजबूर हैं हम, बस समझ लीजिए कि मजदूर है हम, समझ लिए कि मजदूर। बहुत बहुत शुक्रिया। आपने देखा किस तरीके से अब जो शिक्षक हैं वो यहाँ रोडों पर आ चुके हैं, सोचिए संसद
पे यहाँ पर घेराव होने लग रहा है। महिला महिला हो, चाहे छात्र हो, चाहे अब शिक्षक हो, सब रोडों पर हैं। सोचिए किस तरीके की ये बदहाली हो रही है, किस तरीके से देश गर्त में जा रहा है। कभी रोडों पर छात्र होते हैं, लाठी डंडे खाते हैं, तो कभी शिक्षक यहाँ रोडों पर आते हैं। सोचिए अगर देश के यही जनता अगर सरकार बनाने वाली है और वो ही रोडों पे आ जाएगी तो क्या ही देश में हित और अधिकार रह जाएंगे। आपको सोचना चाहिए किस तरीके से इस देश में हालात बन रहे हैं, किस तरीके से शिक्षकों को भी रोड पे आना पड़ रहा है। वो पढ़ाएंगे या रोडों पे आएंगे, अपने हक अधिकार की बात करेंगे। जिस तरीके से हक अधिकारों पे लगातार वार किया जा रहा है, ये सामने आपने देखा किस तरीके से यहाँ पे सारी शिक्षक महिलाएं मौजूद हैं। सामने आप देख सकते हैं ये टोकरा इन्होंने सर पे ले रखा है। इनका एक जो नारा है ये लिखा भी हुआ है यहाँ पे, पुरानी पेंशन बहाली हेतु जंतर मंतर पर मार्च व देश के सभी सांसदों के नाम घर घर चेतावनी पत्र वितरण अभियान। ये पत्र वितरण किए जाएंगे सभी सांसदों के नाम और उनके घरों पर ये चेतावनी दी गई है। ये आप सरों पर टोकरा देख सकते हैं, ये सब पत्र हैं जो उनके घरों में, सांसदों के घरों में पहुंचाई जाएंगी। आप ही देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर सारे टीचर्स लोग हैं, जो अध्यापक गण हैं, वो सारे यहाँ पर मौजूद हैं, सरों पर टोकरा लेकर खड़े हुए हैं उन सांसदों के नाम। ये जो पत्र है वो पत्र लेकर के यहाँ पर खड़े हुए हैं। सोचिए आप सामने देख सकते हैं किस तरीके से इन लोगों को मार्च निकालनी पड़ रही है और ये लोग यहाँ पर रोडों पर उतर आए हैं या संसद की रोडों पर उतर आए हैं। सोचिए शिक्षा एक कितना बड़ा मुद्दा है जिसको मुद्दा नहीं समझा जा रहा है देश में, और लगातार जिस तरीके से शिक्षा पर वार किया जा रहा है, छात्रों पर वार किया जा रहा है, आप सामने देख सकते हैं। अब जो है यहाँ पे जो लगातार यहाँ पे शिक्षकगण वो अब रैली कर रहे हैं, रोडों पर आ चुके हैं। सोचिए देश की हालात किस तरीके के हैं, किस तरीके से देश गर्त में जा रहा है। सामने आपके तस्वीरें हैं, ये तस्वीरें आपको जरूर परेशान करेंगी अगर आप शिक्षा और छात्रों के हित में बात करते हैं और आप अगर शिक्षकों के साथ हैं तो ये तस्वीरें आपको परेशान कर सकती हैं कि किस तरीके से एक एक शिक्षक यहाँ सड़कों पर उतरा हुआ है। इसी के साथ देखते रहिए जनता आवाज, मेरे सहयोगी धर्मेंद्र के साथ में पूजा, दिल्ली जंतर मंतर।